हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श है, आप देख रहे हैं टेक रेट चैनल। गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे बोल दूं कि इतने दिनों तक यानी कि एक हफ्ते तक वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब से थोड़ी देर साइड हटा जाए एंड कुछ दिनों का ब्रेक लिया जाए। तो मैंने एक्चुअली में ब्रेक लिया था एंड हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैं सबको रिकमेंड करूँगा भाई कि आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूस वीडियोज़ डाल रहे हो तो आप ज़रूर से एक हफ्ते का या फिर लगभग 2 से 3 दिन का आप ज़रूर से ब्रेक लेना, काफ़ी अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। एंड बाद में जब आप कम बैक करते हो तो आई एम 20% श्योर, मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो आपका फुल सपोर्ट करेगी एंड आपके साथ रहेगी। अब उसके अलावा बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाई थी, YouTube की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसमें कुछ अपडेट हुआ था, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई थी, बट अभी जस्ट जल्दी में ही ऐड किया गया एंड यहाँ पे एक और अपडेट आ गया है YouTube को मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लेके। एंड ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है ये एक तरीके से आई थिंक जितने भी हमारे नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आखिर वो क्या नई चीज़ है एंड आपको क्यों जानना जरूरी है। अगर आप एक नए क्रिएटर हो या फिर आप एक यूट्यूब के क्रिएटर हो, वीडियोस बनाते हो, तो आपको क्यों जानना जरूरी है सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरी एंड तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमारी एक नई YouTube की पॉलिसी आई थी जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। आप उसको चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने उसमें बताया था कि जो आपकी YouTube की नई पॉलिसी है यानी कि अगर आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी स्ट्राइक आता है या फिर आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक पड़ जाता है, 2 स्ट्राइक पड़ जाते हैं, तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। हालांकि पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बट जो अब नया अपडेट आया था उसमें यही बताया गया था कि अगर आपके चैनल पे एक भी कोई एक्टिव स्ट्राइक है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग को पहले से पता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम पूरा होने पे हम चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, बट अब वो चेंज कर दिया गया। जब तक उस पर कोई स्ट्राइक नहीं होगी, अगर स्ट्राइक है जब तक हट नहीं जाती तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बट अब एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दी गई YouTube की तरफ से। अब यहाँ पे एक Google की तरफ से ऐड किया गया है YouTube में कि जब तक आपकी जो ईमेल आईडी है यानी कि आपने जिस ईमेल आईडी से या फिर जिस भी गूगल आईडी से आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, जब तक आप उसका 2-स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो, यानी कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन एक तरीके से आपकी जो आईडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही दिया जाता है, बट जब तक आप उसको नहीं करते हो तब तक आप मोनेटाइज नहीं कर पाओगे अपने चैनल को। एंड एक तरीके से ये होता है ना कि अगर आपने नया चैनल स्टार्ट किया है एंड आप नए क्रिएटर हो, आप वीडियो बना रहे हो, जल्दी जल्दी में आपकी वीडियो है वो वायरल हो गई एंड उस पर लगभग काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ गए, वॉच आर पूरा हो गया, सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, एंड ऐसे में बहुत सारे हमारे जो नए क्रिएटर्स हैं वो तो अभी नए नए यूट्यूब पे आते हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है एंड इसकी वजह से वो जो है मोनेटाइजेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर पाते क्योंकि उनको नहीं पता है कि हमें ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी करना है, साथ साथ हमारे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन की जो स्ट्राइक्स हैं वो नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको अपनी आईडी को अभी जाके 2-स्टेप वेरिफिकेशन जल्दी से करवा लेना है। एंड जो लोग ऑलरेडी यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में है एंड जिन्होंने नहीं भी करा है तो उनका तो अभी एकदम एलिजिबल रहेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितने भी हमारे नए क्रिएटर्स हैं उनको ये करवा लेना है, तभी जो आपका यूट्यूब का चैनल है वो मोनेटाइज हो पाएगा एंड आप अर्निंग कर पाओगे। तो यूट्यूब की तरफ से ये एक बड़ी अपडेट आई है जो मैं आपको बताना चाहता था एंड जरूर से इसको ट्राई करना बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका चैनल तो प्रोटेक्ट रहेगा ही रहेगा बिकॉज जब भी कोई भी नया लॉग इन करेगा आपके किसी भी यूट्यूब का जो आपका अकाउंट है उससे कोई लॉग इन करेगा तो सबसे पहले आपके पास OTP आएगा एंड जब तक वो OTP टाइप नहीं होगी तब तक कोई लॉग इन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ तो बढ़िया है कि सेफ रहेगा आपका चैनल, बट इसके अलावा इससे आपको ये भी है कि आप ये जब एनेबल कर लोगे तो आपका जो चैनल वो मोनेटाइज हो पाएगा। सो आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल आज के रिश्ते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग टेक टॉक चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।